इस साल में धामी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग जारी है। इस बैठक में कैबिनेट कई प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। कैबिनेट पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे संविदा पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कुछ नई गाइडलाइन पर विचार कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नए साल में पहली कैबिनेट मीटिंग धामी सरकार की चल रही है और इस मीटिंग में कई मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि संविदा पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स पर भी फैसला संभव है, साथ ही पुलिस भर्ती में उम्र छूट पर भी फैसला लिया जा सकता है और 4600 ग्रेड पे जो कि मांग लगातार उठ रही है उस पर भी आज धामी कैबिनेट अहम फैसला ले सकती है। ग्रेड पे से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है और ये धामी सरकार की नए साल में पहली कैबिनेट मीटिंग है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट पर भी फैसला संभव है, संविदा पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स पर भी फैसला संभव है। वहीं पंजाब के बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाते वक्त रोड पर हो रहे प्रदर्शन के कारण बठिंडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर जाम में फंस गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट तक जाम में फंसे रहे। इस कारण प्रधानमंत्री को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक माना है और पंजाब सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने अब इस मामले में पंजाब सरकार को जमकर घेरा है और आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि करोड़ों रुपए की सौगात और किसानों को मिलने वाली मदद को राजनीति में फंसा दिया गया। पंजाब सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पंजाब के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को करना था। वहाँ के पंजाब के लोगों के लिए पंजाब की सरकार यदि विकास में इस प्रकार बाधक बन रही है, निश्चित रूप से पंजाब की सरकार की निंदा होनी चाहिए। और देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में इस प्रकार की कार्रवाई करना ये किसी के भी लिए इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पूरे देश में विकास के एजेंडे को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है, वहीं पंजाब में भी हम लोग इस सारे विकास की योजनाओं को ऐसे जाया नहीं होनी चाहिए। अभी तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व पंजाब में भी विकास की वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, निश्चित रूप से उतरेंगी। और आज पंजाब की सरकार ने जो किया उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने नई मतदान सूची भी जारी की है। उत्तराखंड में 1 जनवरी 2022 तक कुल 81,43,922 मतदाता चिन्हित किए गए हैं। वहीं प्रदेश में 93,964 सर्विस मतदाता हैं। पुरुष वोटर्स जो है उत्तराखंड में वो 40,87,018 है। महिला वोटर्स अभी 37,58,732 है और अन्य पुरुष वोटर्स 40,87,018 और महिला वोटर्स 37,58,732। पेज नंबर 5 देख लीजिए प्लीज। 5 में पहला में आपके जिले का जो कॉलम है, जिले का नाम है, उसके बाद पुरुष महिला अन्य मतलब ट्रांसजेंडर्स में योग जो है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं जिससे पार्टी का कुनबा और मजबूत होता जा रहा है। तो वहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं जिससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। ये खुशी की बात है कि लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति जो विश्वास पूर्व में था वो विश्वास लौट रहा है और सब लोग कांग्रेस की ओर वापस लौट रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। कांग्रेस का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी को परास्त कर इस देश को आज़ादी दिलाने में जो कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही वो किसी से छुपी नहीं है।
और इस देश के विकास में भी जो कुछ आज दृष्टिगोचर इस देश में हो रहा है, अगर हमारा मंगल अभियान हो, चाहे हमारे जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये सब कांग्रेस के शासन के समय की विकास कार्य है। वो अलग बात है कि लोग उन विकास कार्यों पर अपने पत्थर चस्पा कर दें, वो अलग बात है, लेकिन आखिर में सच्चाई छुप नहीं सकती। तो लोगों का विश्वास है पार्टी पर, और मैं इस बारे में मैं अपनी खुशी का इजहार आप लोगों के चैनल के माध्यम से कर। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में चल रही बीजेपी की विलय संकल्प यात्रा का 4 जनवरी को खटीमा में समापन हो गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की, तो वहीं अब 6 जनवरी को उत्तरकाशी में कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा समापन होना है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। आपको बता दें 19 दिसंबर को कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ था। हरिद्वार से शुरू हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरुआत की थी, उसका समापन परसों 6 तारीख को राजनाथ सिंह जी उत्तरकाशी में करेंगे। उसकी तैयारी हो रही है, वो समापन हम वहाँ करेंगे, और तब हमारी पूरी विजय संकल्प यात्रा, जिस विजय के संकल्प को लेकर हम जनता के आशीर्वाद के लिए गए, तब हमारी इस यात्रा का चरण पूरा हो जाएगा। वही उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल सुनील कोटनाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की शहीद और पूर्व फौजियों को दी गारंटी का विरोध करना बीजेपी की फौज विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आज मैं देख रहा था कि भाजपा के जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि केजरीवाल जी जो हैं ये राजनीति खेल रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो दो घोषणाएं उन्होंने की हैं, क्या भाजपा इन घोषणाओं को अच्छा नहीं मानती? क्या वो ये सोचते हैं कि ये घोषणाएं नहीं होनी चाहिए थी? 21 साल में कांग्रेस और भाजपा ने बार सरकार बनाई, आज तक इन्होंने ये घोषणाएं नहीं की। और अगर हम केजरीवाल जी का रिकॉर्ड देखें दिल्ली में, जो भी उन्होंने घोषणाएं की थी, जो भी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणाएं की थी, उनको इम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल की चीफ मिनिस्टरशिप में जो भी ये अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ये जरूर इम्प्लीमेंट। कर्नल अजय कोठियाल की कोविड रिपोर्ट आई निगेटिव। कर्नल अजय कोठियाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि कोठियाल ने केजरीवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर थे, जिसके बाद उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और इसके बाद ही कर्नल अजय कोठियाल ने भी कोरोना टेस्ट करवाया है। हालांकि अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। कर्नल अजय कोठियाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कर्नल अजय कोठियाल की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। कर्नल अजय कोठियाल की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई। कर्नल अजय कोठियाल ने ट्वीट करके पूरे मामले में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। और उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां एक ओर प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहीं प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 9 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ही पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रदेश में जो है जो बारिश का सिलसिला वो शुरू हुआ है, एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से आज जो है प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ साथ जो बर्फबारी है, जो हमारे 2200 या 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उसमें हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है बर्फबारी भी वो भी देखने को मिलेगी। साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
आज के लिए अगर बात करें तो जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं, 3000 मीटर आसपास तक के हैं, तो उनमें कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो है भारी बर्फबारी भी एका दुक्का जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। कल जब आप जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, छुटपुट आइसोलेटेड आप कह सकते हैं कि बहुत हल्की बारिश बर्फबारी हायर रीजन।